हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू हसनपुरी। चलो आज पनीर की एक खूबसूरत करी बनाएंगे। सेती लगी पहला हमें प्याज लहसुन टमाटर के छोटे छोटे कर काटी देमा। पनीर के क्यूबिक साइड काटमा। ये रेसिपी लगे आम धनिया पत्र भी यूज करमा। जीरा धनिया दालचीनी लवंग गोटे सुखा पाउडर बनामा तावारे गरम करे करे। मो रेसिपीटा स्टार्ट करमा। पहला कढ़े रे ऑयल डालमा और ऑयल गरम हो सारा पर लहसुन कचा मिर्चा के आम छाड़ी देमा। तार पर प्याज छाड़मा आ सके फ्राए करमा। प्याज तार कलर चेंज कर सारा पर आम सेने कटा हुआ पनीर पकामा। पनीर के तेल रे ठीक से फ्राई कर देमा। गोटे चामच लुण लगाइमा। एबे टमाटर छाड़ी देमा। हल्दी 2 चम्मच ऐड करमा। गोटे चामच मिर्चा पाउडर ऐड करमा। गोटे चामच धनिया पाउडर ऐड करमा। 3 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर ऐड करमा। आधा ग्लास पानी ऐड करमा।
मसला रे ग्रेविना सनबार लगे 3 चम्मच बेसन पाउडर ऐड करमा। पुणी आधा ग्लास पानी ऐड करमा। तापर जेन आम कुटी थी ना गुण मसला के आम ऐड करदेम आउ धनिया पतर के भी तार ऊपर पकईदेम। आगे 10 मिनट लगे कवर करदेम। आउ 10 मिनट पर बहुत ड्राई हो जाए से आम पुणी आधा ग्लास पानी ऐड कर देमा। पुणी 5 मिनट लगे कवर कर देमा। और 5 मिनट पर पनीर ग्रेवी मसलाटा रेडी हो जाए आम इतने आप बाहर के आनमा आउ खाएमा। वीडियो देखुथार बहुत बहुत धन्यवाद। सब बेले भल खाना खाऊन कम मसला कम ऑयल रे खाना खाऊन एवं सब बेले सुस्थ रहूँ।